हाय फ्रेंड्स, आज हम जिमीकंद की सब्ज़ी बनाएंगे। जिमीकंद जो है बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। इससे पनीर भी फैल है इसके सामने, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए हम जिमीकंद को उबालते हैं और उबाल के उसके छिलके को उतार लेते हैं। फिर उसे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके हम उसे अच्छा कड़ी होते तक फ्राई कर लेते हैं। एकदम सुनहरा कलर आना चाहिए। फिर हम तड़का लगा देते हैं जीरा और मेथी। मेथी दाना जरूर तड़के में डालें, इससे स्वाद दुगना हो जाता है। फिर हम प्याज डाल देंगे। प्याज को लाल होते तक फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। फिर हम उसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची ये डाल के रोस्ट कर लेंगे। फिर हम एक पेस्ट बनाते हैं जिसमें लहसुन रहता है, अदरक, गोल मिर्च, जीरा पाउडर, ये सारे पीस के हम उसका पेस्ट बना लेते हैं और उसे प्याज में डाल के फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। और टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ हम खटाई भी डालते हैं, आमचूर पाउडर। चाहे तो आप दही भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। मेरे पास दही नहीं था तो मैंने आमचूर डाला है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फिर जैसे ही मसाला फ्राई हो जाएगा, आप उसमें फ्राई किया हुआ जो जिमीकंद का पीस है उसे आप डाल दीजिए और बढ़िया से पकते तक, अच्छे सॉफ्ट हो जाए तब तक बढ़िया से पकाते रहिए। अच्छे से पकेगा तो उसका टेस्ट भी दुगना उभर के आएगा और सब्ज़ी एकदम जब तैयार हो जाए तो उसे बढ़िया से आप गर्मा गर्म रोटी बनाइए, नान बनाइए, आप चावल के साथ खाइए, जिसके साथ आपको खाना है उसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। नमस्कार।